बॉस यहाँ से निकल लो बॉस, कहीं मोटू हम पे ही बहादुरी ना दिखाने लगे। चलो यहाँ से निकल लो, जब भी वो बहादुरी दिखाना है हमारा काम बिगड़ जाता है। मोटू ये सब पहले की बात है, ये टीवी प्रोग्राम है, तुम खामखा बहादुरी दिखाओगे और मुसीबत खोल लोगे। अरे पगलू जब भी मैं कोई अच्छा काम करने की सोचता हूँ तो तुम मुझे रोक देते हो। देखो मुझे बहादुरी दिखानी है तो दिखानी है, अब मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है तो दिखाओ अपनी बहादुरी, मैं भी देखता हूँ। देखना मेरी बहादुरी, सुना नहीं तुम्हें? फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुर आदमी का हिसाब देती है। मैं हूँ बहादुर और मैं इस पैर को पकड़ूंगा। तुमने कमाल कर दिया, बोलो क्या इनाम दूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ये इनाम के लिए नहीं किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए किया कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। देखो मोटू, जबरदस्ती बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। बस बस, ये मोटू तो आज खतरों का खिलाड़ी बन गया है। हम उसके किसी शौक का फायदा उठा के उसे ऊपर वाले के पास भेज सकते हैं। मेरे शैतानी दिमाग में अभी अभी एक तूफानी आइडिया आ रहा है। भोरपुरी नगर में है कोई ऐसा माइकलाल जो इस बॉक्सर से बॉक्सिंग लड़े? बॉक्सर है? भोरपुरी नगर में मोटू से बड़ा बहादुर और कोई भी नहीं है। बॉक्सर मोटू ही तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। क्यों मोटू, है ना? करोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं हराऊंगा बॉक्सर को। अरे मोटू क्या कर रहे हो, ये जान की चाल है, वो तुम्हें बॉक्सर से पिटवाना चाह रहा है, अब भी मना कर दो। नहीं नहीं पतलू, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मैं लड़ूंगा। लक फेवर्स द ब्रेव, और तुम भूलो मत कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। आज मैं लड़ूंगा, आ जाओ बॉक्सर, मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। अरे आ जाओ आ जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, आ जाओ। मोटू तुम लड़ रहे हो या मेरे को पिटवा रहे हो? दिखाने का बड़ा शौक चढ़ा है, उसे अपना शिकार बनाया।